कानपुर में पांचवें दिन भी आईटी की रेड, 250 करोड़ रुपए की फर्जी लेन देन पकड़ा गया। फर्जी लेन देन के मामले में कई चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आ सकते हैं जांच के घेरे में। बहराइच में नदी में डूबी महिला को लोगों ने बचाया, वीडियो वायरल। लखीमपुर खीरी में दुधवा रोड पर दिखा बाघ, बाघ को देखते हुए सड़क पर थम गए वाहन, कार सवार राहगीरों ने बाघ का वीडियो बनाकर वायरल किया। रानीखेत में 20 पेटी अवैध शराब बरामद, कार में ले जाई जा रही थी शराब, पुलिस ने कार्रवाई के निर्देश दिए। बस्ती में वशीकरण कर लोगों से ठगी करने वाले 6 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया, इनके पास से सोने चांदी के जेवर बरामद। नोएडा में किडनैप हुआ बच्चा, सकुशल बरामद। 12 घंटे में 6 साल के बच्चे को नोएडा फेस 2 थाना पुलिस ने सकुशल बरामद किया। पुलिस ने 5 टीमें गठित कर आरोपी को गिरफ्तार किया। शामली में पुलिस और लुटेरों की मुठभेड़ में 3 आरोपी घायल, पुलिस ने लूटी गई रकम, मोबाइल और अवैध हथियार बरामद किए। हापुड़ पुलिस ने शातिर गोकशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया, आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने एक पशु हथियार और पशु काटने के उपकरण बरामद किए। औरैया पुलिस के साथ एसओजी टीम गो तस्करों से इनकी मुठभेड़, एक गो तस्कर के पैर में गोली लगी, दूसरे बदमाश ने सरेंडर किया, उनके कब्जे से 2 कट्टे, 1 बुलेट बरामद। संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, दोनों ओर से हुई फायरिंग में 2 बदमाश और कांस्टेबल घायल, घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नोएडा में एलिवेटेड रोड पर कार बेकाबू होकर पलट गई, हादसे में कार सवार घायल, पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। फिरोजाबाद में कार ने सड़क किनारे खड़े लोगों को मारी टक्कर, हादसे में 2 जख्मी, 1 शख्स की इलाज के दौरान मौत, लोगों ने कार सवार को पकड़ा। जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसा दूसरा ट्रक, ट्रक में फंसने से ड्राइवर की मौत, क्लीनर जख्मी। चंदौली में चाय की दुकान में गैस सिलेंडर में लगी आग, आग के कारण अफरा तफरी का माहौल, स्थानीय लोगों ने किसी तरीके से आग पर काबू पाया। बिजनौर में मूसलाधार बारिश से गंगा पुल की सड़क टूटकर बह गई, मेरठ हस्तिनापुर बिजनौर का रास्ता बाधित, नारनौर हस्तिनापुर गांव पुल का मामला। पौड़ी में सड़क पर पहाड़ी से गिरा पत्थर और मलबा, किंग कालेश्वर सड़क पर बने लैंडस्लाइड जोन पर अब तक नहीं हो पाया है ट्रीटमेंट। भाजपा के राज्यसभा सांसद हरिद्वार दुबे का निधन, नागरा में भाजपा के वरिष्ठ नेता माने जाते थे हरिद्वार दुबे, परिवार और पार्टी में शोक की लहर। हापुड़ में जगन्नाथ रथ यात्रा का किया गया आयोजन, राधा कृष्ण में हुआ पूरा शहर रथ के दर्शन, उसे खींचने के लिए हजारों श्रद्धालु उमड़ पड़े। सीतापुर पुलिस ने सनसनीखेज मामले का किया खुलासा, एक लौती बेटी ही प्रेमी के साथ मिलकर पिता का कत्ल करती नजर आई, हत्या की वजह बनी पिता की 2 बीघा जमीन। मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी से अमित शाह की मुलाकात, ताजा हालात की जानकारी ली, कल मणिपुर के सीएम से मिले थे अमित शाह। जम्मू कश्मीर में एनआईए का बड़ा ऑपरेशन, अमरनाथ यात्रा से पहले टेरर लिंक मामले में ताबड़तोड़ छापेमारी, शोपियां, पुलवामा, बांदीपोर और कुलगाम में दबिश। दिल्ली के प्रगति मैदान टनल के पास लूट का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, बदमाशों ने गन पॉइंट पर कार सवार लोगों से करीब 2 लाख रुपए लूट लिए, केजरीवाल बोले इस्तीफा दे जी। दिल्ली वालों को लग सकता है महंगाई का झटका, 10% बढ़ सकते हैं बिजली के दाम, सरकार की सफाई, जिन्हें सब्सिडी मिलती है उन पर असर नहीं, बीजेपी ने उठाया सवाल। मध्य प्रदेश के कटनी में रात के अंधेरे में बदमाशों का आतंक, फायरिंग कर मचाई दहशत, पुलिस ने 3 खोखे बरामद किए। चिराग दिल्ली में सावित्री फ्लाईओवर पर लैम्बोर्गिनी कार ने ऑटो को टक्कर मारी, हादसे में ऑटो चालक समेत 2 शख्स घायल हो गए।
मुरैना में लापता युवक की हत्या का मामला पुलिस ने दर्ज किया। लापता युवक के भाई घनश्याम तोमर ने 4 जून को शिकायत की थी। मुंबई के घाटकोपर इलाके में राजवाड़ी कॉलोनी में 3 मंजिला इमारत का एक हिस्सा ढह गया। बीएमसी ने इमारत को ध्वस्त किया। हिमाचल के मंडी में बादल फटने के बाद बची तबाही, मंजर देखकर सहमे लोग। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। अचानक आए सैलाब की वजह से वहां पर फंसे 200 लोगों को निकाला गया। भारी बारिश के बीच हिमाचल के टांडा मेडिकल कॉलेज कैंपस में पानी भर गया। हालांकि प्रशासन ने किसी भी तरीके के नुकसान से इनकार किया। हिमाचल के कांगड़ा में भारी बारिश और बाढ़ के बीच दिखी लोगों की लापरवाही। जान जोखिम में डालकर पर्यटक पानी में जा रहे हैं। हिमाचल के कुल्लू में मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात। कई वाहनों को हुआ भारी नुकसान। हिमाचल के मंडी में हनोगी मंदिर के पास अचानक आई बाढ़। बारिश के बाद बाढ़ की वजह से NH3 पर आवाजाही ठप। मुंबई के विले पार्ले इलाके में 2 मंजिला इमारत की बालकनी गिरने से 2 बुजुर्गों की मौत। पहले गिरी दूसरे मंजिल की बालकनी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बारिश के बाद मेंढर के हरनी नाले में अचानक आ गई बाढ़। नाले में बह गया एक शख्स। लोगों की मदद से उसे बचा लिया गया। असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर मामूली रूप से कम हुआ। आने वाले दिनों में और कम हो सकता है पानी। हालांकि निचले इलाकों में अब तक पानी कम नहीं होने से लोगों की परेशानी बनी हुई है। मध्य प्रदेश के गुना में मानसून ने दस्तक दी। तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश। भारी बारिश के बाद बढ़ी जल जमाव की समस्या। सड़कें बनी ताला। मध्य प्रदेश की राजधानी में भी मानसून की बारिश ने दी दस्तक। भोपाल के कई हिस्सों में भारी बारिश। शहर हुआ जलमग्न। मध्य प्रदेश के रेवाड़ी में अंडरपास में पानी भरने से फंस गई कई गाड़ियां। 12 घंटे की बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। हरियाणा के पंचकुला में बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर। पानी के तेज बहाव में एक गाड़ी नदी में बह गई। गाड़ी में सवार महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। MP के मुरैना में 3 घंटे की बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया। तेज बारिश से बने बाढ़ जैसे हालात। अस्पताल के कई हिस्सों में पानी भरा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास करंट लगने से एक महिला की मौत। बारिश की वजह से पानी में आ गया था करंट। चंडीगढ़ के मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। हरियाणा के कुछ हिस्सों में मानसून का असर। पीएम मोदी के भोपाल दौरे से पहले रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर चल रहा है सजावट का काम। पीएम मोदी वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। ताईस जून को पीएम मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। भोपाल को देंगे वंदे भारत ट्रेन की सौगात। भोपाल से इंदौर के बीच चलेगी वंदे भारत ट्रेन। महोबा में सांप काटने पर युवक सांप लेकर जिला अस्पताल पहुंचा। सांप देखकर मचा हड़कंप। युवक को इलाज के लिए कराया गया भर्ती। सहारनपुर में 2 ट्रकों के बीच हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में भर्ती। रामपुर थाना इलाके के मनिहारन की घटना। श्रीनगर गढ़वाल में जोरदार बारिश की वजह से अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ा। नमामि गंगे के तहत बने घाट डूबे। श्रीनगर गढ़वाल के मुख्य बाजार में भी भरा पानी। बुलंदशहर में बुजुर्ग की हत्याकांड का खुलासा। संपत्ति के लालच में बेटे ने ही की थी पिता की हत्या की सुपारी। पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी का शूटर अमित राय गिरफ्तार। समर्थन में 150 से 200 की संख्या में लोगों ने थाने पर बोला हमला। शूटर अमित राय को छोड़ने की मांग को लेकर किया बवाल। बारिश के चलते रोकी गई केदारनाथ यात्रा। धाम सहित पैदल यात्रा मार्ग पर बारिश जारी। सुरक्षित जगहों पर यात्रियों को रोका गया। सोनप्रयाग में 5,000, गौरीकुंड में 3,000 यात्री रोके गए।
जीडीए की कार्रवाई, 50,000 का इनामी विनोद उपाध्याय, 25,000 का इनामी संजय भी है फरार, संपत्ति पर बुलडोजर चला। कानपुर में युवती ने सड़क पर लहराई बुलेट, भीड़भाड़ वाले रोड पर बिना हेलमेट के चलाई बुलेट, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। गाजियाबाद में कोचिंग सेंटर की आड़ में चल रहा था मदरसा, छात्रों को पढ़ाई जाती थी नमाज, पुलिस ने कोचिंग सेंटर संचालक को किया गिरफ्तार। महोबा में सांप लेकर इलाज कराने अस्पताल पहुंचा युवक, सांप के काटने से युवक की बिगड़ी थी हालत। चित्रकूट में श्रद्धालुओं को ट्रक ने रौंद डाला, दो की मौत, तीन लोग गंभीर रूप से घायल, आरोपी ट्रक चालक फरार, घर से परिक्रमा के लिए निकले थे सभी। उन्नाव में जल्दी निकलने के होड़ में ट्रेन से टकराया बाइक सवार, बाल बाल बची जान, पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त अजगैन मुहान रेलवे क्रॉसिंग की घटना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।